एक्सल विश्वनाथ। आज की क्लास में हम ओपन सर्किट टेस्ट को ही आगे बढ़ेंगे। इन पिछली क्लास में हमने देखा था कि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म की जाती है और उसमें क्या क्या पैरामीटर्स फाइंड किए। तो एक बार और हम उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं और उन ऑब्जेक्टिव में से जो कि हमारे रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स जो रह गए हैं उन्हें आज हम समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्टिव ओपन सर्किट टेस्ट ऑन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक, तो इस ओपन सर्किट टेस्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके वो क्या क्या है? पहला तो था शंट ब्रांच पैरामीटर्स। ठीक है, शंट ब्रांच पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके? आर नॉट एंड एक्स नॉट, इसको फाइंड करना था जो कि हमने कर लिया। अब आपके सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है आपका फाइंड आयरन लॉस। और जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है आपका टू सेपरेट आयरन लॉस इनटू हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव्स थी जिसमें से हमने पिछले क्लास में शंट ब्रांच पैरामीटर्स जो है हमने फाइंड कर लिया था। आज की क्लास में हम फाइंड करेंगे आयरन लॉस। सेकेंड जो आपका टू फाइंड आयरन लॉस। तो अब बात आ जाती है कि आयरन लॉसेस होती क्या है। देखिए, आपकी जो लॉसेस जो कि इंटरैक्ट करती है विद द कोर ऑफ द मटेरियल, और जो आपका कोर होता है वो सिलिकॉन स्टील का होता है, तो इस सिलिकॉन स्टील के साथ जो लॉसेस इंटरैक्ट होती है, जो लॉसेस ऑकर होती हैं, जो पावर डिसिपेशन होता है, उसे हम कहते हैं आयरन लॉसेस। अब आपका ये जो आयरन लॉसेस हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक हो गया हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है आपका एडी करंट लॉसेस। ठीक, तो अब इसको हम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो हम जो ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर यूज करते हैं वो जो वाट मीटर होता है उसकी रीडिंग होती है W नॉट। तो ये जो W नॉट है इसमें वो सारी लॉसेस आती हैं जो कि नो लोड में होती है। तो W नॉट क्या होता है? लॉसेस ऑकर अंडर नो लोड। तो जब आपका नो लोड रहता है तो उस केस में जो जो लॉस होती है उसको कौन मेजर करता है? W नॉट मेजर करता है। फिर अब ये W नॉट में अब ये लॉसेस क्या क्या लॉसेस होती हैं? ठीक है, तो आपके इस W नॉट में कौन कौन सी लॉसेस आएंगे? एक तो होगा आयरन लॉस और दूसरा डाइलेक्ट्रिक लॉस, प्लस इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है ना नो लोड करंट, उसके वजह से जो कॉपर लॉस होता है वो लॉस। तो कॉपर लॉस अंडर नो लोड कंडीशन। ठीक है, तो हमारी जो लॉसेस हैं, ठीक, तो कॉपर लॉस अंडर नो लोड कंडीशन, और ये जो कॉपर लॉस है क्या होता है? क्योंकि प्राइमरी में करंट फ्लो होता है तो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कॉपर लॉस अंडर नो लोड कंडीशन। अब इसमें जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है ना, तो आपके जो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग के रेजिस्टेंसेस हैं उसे हम केल्विन डबल ब्रिज मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो लो रेजिस्टेंसेस हैं आपके जो कि आपके वाइंडिंग में हो रही हैं, जो मैं है
वाइंडिंग का जो लो रेजिस्टेंस है उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड से। अब जो आपका कांस्टेंट लॉस जो होगा, मतलब कांस्टेंट लॉस डब्ल्यू नॉट माइनस आई नॉट स्क्वायर आर वन, ठीक। आर वन प्राइमरी साइड के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, आई नॉट उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो है, और डब्ल्यू नॉट जो है वो आपका एक्चुअल नॉट है। तो उससे जो है हमको कांस्टेंट लॉस मिल जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है आपका प्राइमरी कॉपर लॉस अंडर लो लोड कंडीशन, ये जो है आपका वेरिएबल है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आई नॉट पे। बाकी ये जो डायरेक्ट लॉस है, आयरन लॉस क्या है, कांस्टेंट लॉस है। वो एक बार जब ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर हो गया तो जो लॉस आ गई वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ट्रांसफार्मर वो क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं। अब चूंकि क्या होता है कि हमारा नो लोड कंडीशन में जाहिर सी बात है करंट को तो फ्लो होना नहीं चाहिए, लेकिन फ्लो होता है बिकॉज उसको क्या है, आपके जो लॉसेस है उसको फुलफिल करना। तो जो करंट फ्लो होती है वो बहुत ही कम होती है अंडर नो लोड कंडीशन, दैट्स व्हाई ये जो वैल्यू है बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से, और चूंकि आपके जो डायरेक्ट लॉसेस जो हैं वो भी बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि आपके इस W नॉट को, जो कि नो लोड की कंडीशन में जो लॉस हो रहा है, उसको हम मान लेते हैं नियर अबाउट डब्ल्यू आई, विच इज नियरली इक्वल टू द आयरन लॉस, बिकॉज द अदर लॉसेस लाइक द इलेक्ट्रिक लॉस एंड द कॉपर लॉस इन द प्राइमरी साइड आर वेरी मच स्मॉल, बिकॉज ऑफ दैट द ओवरऑल लॉस अंडर नो लोड कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज आयरन लॉस। ओके, नाउ in this way we can find the iron loss. Now the third point is your to separate iron loss into hysteresis loss and eddy current loss. तो ये आपका जो hysteresis और eddy current loss है उसको हम find करने के लिए क्या करेंगे, जो V by F ratio है ना, उसके बिहाफ में अपन चेंजेस करते रहेंगे, और आपका जो ग्राफ आएगा डब्ल्यू आई एफ और एफ के बीच में, उसकी मदद से हम आपका क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों को फाइंड कर सकते हैं। तो जो आपका हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो एक्चुअली होता है प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रिक्वेंसी के, और जो एडी करंट लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। जो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर की स्क्वायर वैल्यू है, जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वैल्यू है उसका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा आपका एडी करंट लॉस। तो हम फाइंड करते हैं, चलिए ग्राफ खींच लेते हैं। ये है आपका ग्राफ जिसमें डब्ल्यू आई और अपॉन एफ है और ये एफ। तो डब्ल्यू आई क्या है, आपका आयरन लॉस है, सिंपल से जो हमने अभी फाइंड कर लिया, ठीक। तो जो आयरन लॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है वो, और एफ है ना, वी आई डब्ल्यू आई बाई एफ और एफ के बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, जिसमें से आपका ये जो वाई एक्सिस का जो पार्ट है जो है ना वो क्या रहेगा, आपका ए की वैल्यू देगा, और जो स्ट्रेट ग्राफ कर्व बनेगा हमको जो ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये ओपन सर्किट टेस्ट है इसको हम परफॉर्म करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वी वन बाई एफ रेशियो, जो कि क्या रखते हैं, हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। मतलब कि अगर मैं
सपोज मान लो V1 रेटेड पे और F रेटेड पे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ अपना फंक्शन परफॉर्म करता हूँ नो लोड ऑपरेशन, ठीक है, जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो परफॉर्म करता हूँ, तो ये जो भी रीडिंग आएगी तो वह हमको वाट मीटर रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है, वाट मीटर से हमको रीडिंग मिल जाएगी, लो आयरन लॉस मिल जाएगा, और हम फ्रीक्वेंसी मीटर से, हम जो फ्रीक्वेंसी मीटर से उसकी फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करेंगे, चेक करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यूज जो है V1 और F की जो वैल्यूज है उसको चेंज करेंगे, बट जो उनकी जो उनका जो रेशियो होगा V1 बाई F का जो रेशियो होगा वो हम क्या रखेंगे, कॉन्स्टेंट रखेंगे, ठीक है, तो जो V1 बाई F रेशियो होगा दैट मस्ट बी कॉन्स्टेंट अगेन एंड अगेन थ्रू आउट दी तो अब हम क्या करेंगे कि इस V1 और F की जो वैल्यूज हैं, जो हम सप्लाई वोल्टेज और जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसको, उसकी वैल्यूज को हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम सेम ऑपरेशन करेंगे, सेम टेस्ट करेंगे, तो जिससे कि हमको जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो अलग अलग मिलेगी, क्योंकि हमारा जो वाट मीटर है, फ्रिक्वेंसी मीटर है, उसमें हमको जो रीडिंग्स मिलेंगी वो उसके रेस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यूज होंगे। तो अब एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आप V1 और F की जो भी वैल्यूज चेंज करते हैं आपका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। तो जो चेंजेस हैं इस चीज़ को ध्यान में रख के करना है कि आपका जो V1 बाई F का जो रेशियो है वो अगेन एंड अगेन सेम वैल्यू आनी चाहिए, कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आनी चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसकी वजह से, ठीक है, अब ये जब कॉन्स्टेंट है तो हम जानते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो भी क्या होगा, अगेन कॉन्स्टेंट ही होगा, ठीक है। अब जो हमारा वाट मीटर की रीडिंग है वो क्या है आपका WI, और जो आपकी फ्रिक्वेंसी मीटर की रीडिंग है वो क्या है F, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं WI और F के बीच में, ठीक है, तो अब हमको क्या मिलेगा, एक स्लोप मिल रहा है, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, तो ये जो स्लोप है ये हमको क्या बताता है कि हमारा जो ये BM है, फ्लक्स डेंसिटी है, वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक कि आपके V1 by F रेशियो क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो अब इसमें एक और चीज देख रहे होगे, तो ये जो स्लोप है, जो स्लोप का एंगल है थीटा, वो क्या होता है आपका m tan theta, ठीक है, जो स्लोप का आपका एंगल है वो क्या है आपका m, क्या होता है, और यहाँ पे m क्या होता है आपका स्लोप होता है, तो वो क्या हो जाएगा tan theta, m is equal to क्या हो जाएगा tan theta, तो ये जो m is equal to tan theta है वही आपका क्या है b है, ठीक है। तो WI is equal to क्या हो जाएगा AF plus BF square, ठीक है, तो इससे जो आएगा आपका आयरन लॉस आएगा, जिसमें ये जो AF वाला पार्ट है वो आपका स्टेरेसिस लॉस को बताता है, और ये जो BF स्क्वायर वाला पार्ट है वो आपको एडिड करंट लॉस को बताता है, ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारा जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और हमारा जो एडी करंट लॉस है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के। तो जो हमारा V1 by F जो रेशियो है, इसमें इसके अकॉर्डिंग अगर मैं हमारा अपना जो वोल्टेज है ना, जो हिस्टेरेसिस लॉस है, उसमें अगर मैं रेटेड फ्रीक्वेंसी पर वर्क कराता हूँ, तो जो मेरा AF होगा, इसमें ये F, अगर मैं रेटेड फ्रीक्वेंसी पे, हमारी मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे वर्क करवाऊंगा तो AF रेटेड ही मिलेगा मुझे, और अगर मैं रेटेड फ्रीक्वेंसी पे ही करवाता हूँ तो मुझे जो एडी करंट लॉस मिलेगा वो BF रेटेड स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका सेपरेशन, इससे क्या हो गया, हमारा टोटल ओवरऑल जो आपका आयरन लॉस है वो निकल गया, ठीक है। तो ये स्लोप से हमको क्या मिल जाएगा, B = m
tan थीटा और ये a तो w i इज़ इक्वल्स टू क्या होता है a f क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस जो है प्रोपोर्शनल होता है f के और जो है एडी करंट लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के तो b f स्क्वायर ठीक है। ये जो है आपका स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है ठीक है।